मेन क्वेश्चन जो फर्स्ट पूछा गया है सर, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस है, अब ये साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में साइंस के साथ साथ सोशल साइंस, ईवीएस और लैंग्वेजेस, चार स्ट्रीम की बात की जाएगी है। तो मेरा क्वेश्चन जो सीटेट के हैं डिफरेंट आएंगे, अगर आएंगे तो जब क्लास आप दोगे फिर सब्जेक्ट वाइज लिंक टूट जाएगा, मतलब किसी और स्ट्रीम का किसी और स्ट्रीम का। इसलिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो आप क्लास वाइज टूटोगे नहीं। मैंने जो ये स्ट्रक्चर है आपके पेपर का, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। पेपर वन के लिए आप फिल करते हो, जहाँ टू के लिए करते हो, ये डिसीजन लेना है। इसका डिसीजन कैसे लेना है इस पर डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। पेपर वन में जो वाइट वाला पोर्शन है वो कंपलसरी है, इधर पेपर टू में आप अगर ऑप्ट करते हो आप तो वाइट वाला पोर्शन यहाँ भी कंपलसरी है। अगर आप दोनों ही पेपर फिल करते हैं, ये आपकी कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम है, डिफरेंट वीडियो में बात होगी। तो यहाँ पर ये कंपलसरी है, जहाँ कंपलसरी है वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो येलो वाला एरिया है पेपर वन में, मैथ्स एंड एनवायरमेंटल साइंस, अच्छा यहाँ पर ये भी कंपलसरी है। प्रॉब्लम यहाँ पर आपको है क्योंकि चॉइस है, चॉइस भी आपकी नहीं है, आपको डिसीजन लेना नहीं है, ऑलरेडी आपकी स्ट्रीम जो है सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम वाले ये फिल करेंगे और उन्होंने 60 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, वो जो है कैसे करने हैं, कैसे डिवीजन बनती है और कैसे क्लासेस लगनी है, इसी की बात यहाँ पर करेंगे। अगर आप सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज से रिलेटेड हो तो आप ये ऑप्शन नहीं लोगे, आप ये वाली ऑप्शन लोगे, उसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे। ये येलो वाले पोर्शन को समझना चाहिए कि हमने कैसे क्लासेस लगानी है, कैसे लर्न करना है और कैसे पेपर के लिए जो तैयार होना है अच्छी तरह से। इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से ये कट कर दिया और ये हो गया छोटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया है उसके बेस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटल टीईटी के एमसीक्यू की क्लासिफिकेशन मैंने की है कि कोई भी टीईटी देना है तो उसको दो भागों में पहले बांट रहे हैं, पहले दो भागों में, फिर तीन डिवीजन हो जाएंगी। फर्स्ट जो है डिवीजन, उसकी फर्स्ट पेपर है जिसको बार बार कई वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट कहा है, इसको सीडीपी भी बोलते हैं। अच्छा, इसका बेस क्या रहता है? इसमें साइकोलॉजिकल प्लस सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे बेसिकली, ठीक। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरीज होंगी साइकोलॉजी की, कंसेप्ट्स होंगे, रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, दैट इज वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपने समझने हैं। अच्छा, दूसरी डिवीजन क्या है कि आपकी स्ट्रीम क्या है, ये तो सभी के लिए कंपलसरी हो गया ना, फंडामेंटल ये और डिसिप्लिन से साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से ज़्यादातर पोर्शन लिया गया है, थ्योरीज ली गई हैं, और उसको अप्लाई किस पर करना है, पैडागॉजी पर। आपने बनना क्या है? टीचर, ठीक है। टीचर कैसे बनना है? अच्छी टीचिंग जो दे सके। अच्छी टीचिंग क्या होती है? जो अच्छी लर्निंग करवा सके। अगर सी टेट का या टेट का सेंट्रल आइडिया आपने देखना है एमसीक्यू क्वेश्चन का, वो यही होगा, वो ऑप्शन चार में से बेस्ट होगा जो इफेक्टिव टीचिंग को इंडिकेट करेगा। चार ऑप्शन है ना एमसीक्यू में, उसमें आपने मोस्ट इफेक्टिव, अभी सेंट्रल आइडिया बता देता हूं आपको। तो इफेक्टिव टीचिंग क्या है? जो इफेक्टिव लर्निंग करवाती है। इट मींस कि सारी सीडीपी जहां उसकी भी बात करते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया मैक्सिमम लर्निंग, इंजॉयबल लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग। तो ये लर्निंग, अच्छा आगे दो तरह की हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आप किसी को चोरी करना सिखवा सकते हो, नॉलेज स्किल डेवलप कर दी गलत वाली, है ना। दूसरी पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हमने वो वाली लर्निंग जो पॉजिटिव हो उसको आइडेंटिफाई करना है। एक था इफेक्टिव लर्निंग, दूसरा था लर्निंग के साथ साथ पॉजिटिविटी, प्रोग्रेसिव। तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं डेवलपमेंट। ओके, तो चाइल्ड किसकी डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट। ये यहां से चले थे, यहां फिर आ गए।
तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज अप्लाई होंगी पैडागोजी पर, टीचर पर, टीचिंग पर, बेटर लर्निंग पर और डेवलपमेंट के लिए। तो हाँ, आपकी प्रॉब्लम क्या होगी? ये कॉमन एरिया हो गया कि सभी टीचर के लिए होगा, लेकिन आप जहाँ तो किसी ना किसी स्ट्रीम से रिलेशन रखते हो, वो स्ट्रीम नंबर वन हो सकती है मैथ्स या साइंस, दूसरी हो सकती है सोशल साइंस या एसएसटी, तीसरी लैंग्वेज जहाँ एनवायरनमेंट। अगर आप पेपर वन ऑप्ट करते हो तो उसमें ईवीएस आता है, अगर वो ऑप्ट नहीं करते, पेपर टू ही है आपके पास, वो लेते हो, तो आइदर आप मैथ्स या सोशल साइंस चूज करते हो, लैंग्वेज कंपलसरी होगी। हाँ, उसमें ऑप्शन है लेकिन लैंग्वेज कोई लेनी पड़ती है। तो जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था कि मैं फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस ले रही हूँ, इट मीन्स आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो। तो आपने जब टीचर बनना है साइंस के बनना है, तो आपने नॉलेज जो बच्चों को देनी है नेचुरली है साइंस स्ट्रीम से दोगे। तो ये डिवीजन हो जाती है यहाँ पर जब हम 60 क्वेश्चन, इसके भी 60 क्वेश्चन होंगे पीछे देख के आए हैं, इसके भी 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन में से 60 MCQ 60 में से आपको लगभग 30 क्वेश्चन, ये आइडियल है 30, लेकिन कभी प्रोपोर्शन इधर उधर हो जाता है, ये बात भी याद रखनी है। 30 क्वेश्चन कंटेंट के आएंगे और 30 क्वेश्चन फिर टीचिंग के, लर्निंग के, डेवलपमेंट के, पॉजिटिव लर्निंग के, पैडागोजी के, इसके आएंगे, जिसको क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। दैट इज व्हाई ये मैंने कहा था 30 क्वेश्चन इसके थे और 30 क्वेश्चन जब 60 में उसके हो गए, ये जो है आपकी स्ट्रीम हो गई। अगर आपकी स्ट्रीम सोशल साइंस है फिर भी आपके 30 हो गए। अगर दूसरा बाकी बची लैंग्वेज 30 30 के लैंग्वेज के जो क्वेश्चन हैं उसमें से भी 30 क्वेश्चन जो है इसी के अप्लाई होंगे। अगर आइडली देखा जाए 30 30 30 क्वेश्चन जो हैं मैक्सिमम पोर्शन जो है इससे कवर होता है, दैट इज वाई इसकी तैयारी जरूरी है। तो ये होगा नहीं ऐसे, लेकिन थोड़ा प्रोपोर्शन जो जैसे 90 का हमने कह दिया है कि इधर बन रहा है और बाकी 60 का जो है कंटेंट का बन रहा है ना? कंटेंट कौन सा? लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और आपकी स्ट्रीम में से 30 क्वेश्चन। तो ये जो पोर्शन होगा आपका ये कंटेंट कहलाता है जो आप फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक स्टडी करके आए हो। दैट इज व्हाई देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये 60 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि प्रीवियस नॉलेज आपकी रिच है। लेकिन ये 90 या 80 कितने भी क्वेश्चन होते हैं CDP या थ्योरीज से रिलेटेड या उसकी एप्लीकेशन पैडागोजी से सबसे ज्यादा बन रहे हैं पैडागोजी से, पर पैडागोजी भी इसकी एप्लीकेशन है ना, अभी बताता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन वाले 90 क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। क्यों? कि आप अभी BEd में हो, जहां तो आप BEd कर चुके हो, एक केस ये है। दूसरा है कि फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, इसमें से कहीं पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट सेम हो, न्यू वाले हो, दैट इज वाई आपको इसकी नॉलेज बहुत कम होगी, पैडागोजी की नॉलेज कम होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट की कम होगी, इसकी कोचिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पोर्शन बच रहा है इसकी आपको हर हालत में कोचिंग या गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और ये आप अपनी NCERT की और प्लस और बुक्स जो कंटेंट है वो पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, वहाँ से आप स्टडी, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो आपका मेन क्वेश्चन था कि स्ट्रीम किस किस की, वो क्लास लगेगी, क्लास एक लगेगी CDP की इसकी, दूसरी इसकी एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन आपकी होगी साइंस एंड मैथ्स के पैडागोजी के क्वेश्चन, साइंस और मैथ के पैडागोजी के क्वेश्चन। ओके, दूसरा बाकी क्वेश्चन जो आपके कंटेंट के, नॉलेज के, जो आपने 7th 8th 9th 10th स्कूल की क्लासेस जहाँ ग्रेजुएशन में वो नॉलेज ली हुई है।
तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेना चाहिए। मैं रियल एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट जो सी टेट के क्वेश्चन हैं उनमें से उठाए हैं, पेपर के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन साइंस का पूछा गया है, यहाँ मैंने उसको हेडिंग बिल्कुल ठीक दे दिया है। वो क्या है कि साइंस पेडागोजी क्वेश्चन, इट मीन्स ये साइंस कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ये साइंस को टीच कैसे करना है, अच्छे से लर्न कैसे करवाना है, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इन साइंस। देखिए यहां पर जैसे साइंस लिख दिया गया ना, यहां पर अगर मैथ्स लिख दें, यहां पर हिस्ट्री लिख दें, यहां पर आप जो है सिविक्स लिख दें, ज्योग्राफी लिख दें, मतलब जो सब्जेक्ट आपके बनते हैं उनमें से कोई भी आप यहाँ लिख दो तो आंसर उसका सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ पेडागोजी कहाँ से आएंगे, सी डी पी से ही आएंगे। वो फंडामेंटल्स क्या हैं वो अभी बताता हूँ। अच्छा, पहले ये समझ लें, व्हाई द फील्ड विजिट्स आर इम्पॉर्टेंट इन साइंस, इट मींस इस क्वेश्चन को आप इररिस्पेक्टिव टू साइंस भी देखते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फील्ड विजिट पूछा गया है, इट डेवलप्स हैबिट ऑफ हार्ड वर्किंग। मैंने मेन पार्ट को इम्पॉर्टेंट कर दिया, जिस पर थिंक ओवर करके मैं फाइनल एग्जाम्पल पर पहुंचूंगा, फाइनल आंसर पर। अच्छा, प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस टू लर्नर, कंडक्ट इट इज इजी टू कंडक्ट, ये पोर्शन इसका मेन है, और कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस। अब हमने क्या है, रूल क्या था कि इफेक्टिव टीचिंग कैसे बननी थी, इफेक्टिव लर्निंग से। अब ये देखना है इफेक्टिव लर्निंग कौन सी है, वो मैंने कहा था वो मिलेगी आपको फंडामेंटल थ्योरी जो सी डी पी में पढ़ते हैं, उसमें एक थ्योरी ये है, यहां पर लिख लेने का हूं, कॉब का मॉडल है, COLB कॉब का मॉडल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। उसके चार स्टेप हैं, फर्स्ट फेज में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो, दूसरे फेज में रिफ्लेक्शन कि जो एक्सपीरियंस किया है उस पर थिंक ओवर करो, थिंक ओवर करने के बाद चौथे स्टेप पर जनरलाइजेशन या कंक्लूजन निकाले लर्नर, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंटेशन न्यू सिचुएशन पर अप्लाई करे, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, ये साइकिल चलता रहता है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहां पर जब आप कंफ्यूजन होते हो तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल या थ्योरी आपको गाइड करती है कि बेस्ट लर्निंग या टीचिंग कैसे होगी। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी टीचर सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है सिचुएशन, टीचर ने क्या किया, उसने एक्सपीरियंस का इंतजाम किया और लर्नर ने खुद एक्सपीरियंस किया, इन्वॉल्वमेंट है, इट मींस लर्नर एक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि हम फील्ड विजिट क्यों करवाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये हार्डवर्क, क्या हम हार्डवर्क बच्चे को हार्डवर्कर बनाना चाहते हैं, बनाना तो चाहते हैं, क्या इसमें से बेस्ट ये रहेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब इसमें वो थ्योरी आपको याद है और मैंने फंडामेंटल्स, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा पेडागोजी की और इसके भी फंडामेंटल जो थोड़े थोड़े करके बताऊंगा, अगर फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए, दुनिया का कोई भी पेडागोजी का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है वो आप रिलेटिवली जल्दी सॉल्व कर लोगे, बेटर सॉल्व कर लोगे। ये नहीं है कि सभी के सभी सॉल्व कर लोगे, अगर आपको फंडामेंटल ज़्यादा क्लियर हैं तो आप सॉल्व कर लोगे। वो फंडामेंटल्स मैं एडिशनली दूंगा, ये वादा पक्का है, एक्सरसाइज थिंकिंग एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसकी ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। तो ये हो गया कि यहां पर एक्सपीरियंस मुझे गाइड कर रहा है कि कोप का मॉडल कह रहा है, यहां पर कोई मॉडल नहीं, हार्डवर्डिंग का कोई मॉडल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अगर डिलीट करना हो तो ये हम पहले ये करेंगे, ये मैं एक्सरसाइज आपसे करवाऊंगा कि इजी जो है वो हमको रखना चाहिए कि हमारा एम बढ़िया होना चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले डिलीट हो रहा है, जो इजी है वो हम अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, हाँ कलेक्ट करनी चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन नॉलेज की ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर इंफॉर्मेशन लोएस्ट लेवल पर है,
ठीक। तो जब टीचिंग का डूइंग वाला एस्पेक्ट, रिफ्लेक्शन वाला एस्पेक्ट जो कॉब का मॉडल है वो टॉप पर आ रहा है यहाँ इस ऑप्शन में, तो सीधा हमारे पास जो आंसर क्या मिल रहा है कि जिसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन डूइंग ऑब्जर्विंग लिसनिंग, कौन कर रहा है? लर्नर, उस आंसर को चूज करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया कि ये मैथ्स एंड साइंस वाली स्ट्रीम का था ना, तो इस स्ट्रीम में मैंने पहले कहा है कि 30 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के 30 क्वेश्चन कंटेंट के आएंगे। ये इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें साइंस की नॉलेज तो कहीं भी नहीं चाहिए, इसमें सारी नॉलेज किसकी चाहिए? पैडागॉजी की, टीचिंग की, लर्निंग की, फंडामेंटल थ्योरी की, जिसको अप्लाई करना है। तो ये मेन पार्ट है कि ये वाला पोर्शन जो पैडागॉजी वाला पोर्शन है, पैडागॉजी वाले क्वेश्चन है, वो मैं सारे करवाऊंगा, वो सारे करवाऊंगा। तो आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स। अब क्या है कि अगर आप यहां से, मैं जो चीज बताना, अगर आप यहां से साइंस वर्ड को हटा दो, मैथ्स लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वही का वही रहेगा। इट मींस ये फंडामेंटल क्वेश्चन ही है, सिर्फ साइंस शब्द लिख दिया गया है। कई बार तो साइंस भी नहीं लिखा जाता जब आप साइंस का क्वेश्चन कर रहे हो। आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फिजिकल साइंस के हो, लाइफ साइंस के हो, मैथ्स के हो, इवन लैंग्वेज के हो, पैडागोजी उसके जो है सोशल स्टडी के हो, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 90% क्वेश्चन तो फंडामेंटल टीचिंग लर्निंग से ही रिलेटेड हैं। तो आपको जो मैथ्स की, साइंस की, अपने कंटेंट की नॉलेज चाहिए, वो क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, आगे वो भी आएंगे। तो यहां पर है असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मींस टर्म असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। तो यहां पर आपको इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वो जो है किसका फिर पार्ट हो गया, सीडीपी का, फिर एप्लीकेशन आ गई सीडीपी की। अब एक फार्मूला बता देता हूं आप कि आपको तीन तरह की असेसमेंट लगी हुई है सिलेबस में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग का क्वेश्चन आ गया। वैसे चलो तो फार्मूला क्या है कि फॉर लर्निंग जब यहां लिखा हो तो एक टाइप है असेसमेंट की, तो इसका आंसर फॉर्मेटिव होगा, फॉर से फॉर मैच कर गया, तो इतनी बात याद रखनी है। दूसरा, अगर एज लिखा है तो एस इसका सेल्फ है। इसकी एग्जाम्पल दे देता हूं, इससे बेटर क्या है, इसको बोलते हैं मेटा कॉग्नेटिव, कॉग्नेटिव, किसी भी खतरनाक ऐसे नए शब्द से डरना नहीं है। सेल्फ असेसमेंट या मेटा कॉग्नेटिव असेसमेंट, एस से हमने जोड़ दिया। ये क्या होती है, जब आप एक लेसन, एक लर्नर एक लेसन पढ़ता है, रीड कर रहा है, या कोई टास्क कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो उसके बाद, अभी मैंने क्या किया कि एक्सपीरियंस लर्निंग की एग्जांपल दी आपको, एक्सपीरियंस किया उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है, ये वाली बात है। तो अगर आप एक्सपीरियंस करके रिफ्लेक्ट करते हो, यार ये मैंने गलत किया जब कर रहा था, ये मैंने ठीक किया, आज मैंने ये गलती की, इसके बाद मुझे ये ध्यान रखना चाहिए, अगर नेक्स्ट सिमिलर रीडिंग करता हूँ, टास्क करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो जब ये बातें आप सोचते हो उस एक्सपीरियंस के बारे में, उस टास्क के बारे में, हाँ उसको लिख भी लेते हो, जिसको आप रिफ्लेक्शन लॉग कहते हैं, मेटाकॉग्निटिव लॉग भी कह देते हैं, डायरी भी कह देते हैं, है ना, तो वो आपकी लर्निंग बहुत पक्की हो जाती है। ये आइडियाज कहाँ से आए ये बताता हूँ, फंडामेंटल्स हैं जी। तो उसको जब ऐसे आप करते हो, वो होती है असेसमेंट एज लर्निंग। अच्छा, इसमें साइंस तो कहीं भी नहीं आई, मैथ तो कहीं भी नहीं आया, ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन था, उसमें साइंस लिख दिया, बस इतनी बात है। दैट इज वाई आपको ये नहीं सोचना कि स्ट्रीम या किस स्ट्रीम से, किस पेपर से शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ आपने फंडामेंटल्स को लर्न करना है, बाकी आपकी कंटेंट की नॉलेज है, दो डिवीजन मेन है सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, सेल्फ असेसमेंट है, दो डिवीजन है मेन, दो डिवीजन है। फर्स्ट क्या थी, सीडीपी,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर दूसरी आपकी जो इस स्ट्रीम में है वहां भी पैडागोजी के हाफ आधे क्वेश्चन होंगे, इस मीन ये और ये लगभग बराबर हो गए, इक्वल हो गए, ये इसका एरिया बढ़ गया, इसको लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा लगेंगी। दूसरा कंटेंट बच रहा है, कंटेंट मीन आपने जो फर्स्ट से लास्ट तक ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके भी देख लेते हैं। सेम एग्जांपल चल रही है जो हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब क्या डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको पैडागोजी की कोई नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें आपको प्योर अपने साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, जिसको मैं कंटेंट नॉलेज बोल रहा हूँ, के फॉर नॉलेज। तो ये अलग से क्लास होगी। यहाँ पर साइंस मास्टर आपको जहाँ साइंस की नॉलेज रखने वाला वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन नॉर्मली आपकी स्कूल की बुक्स से ये आपने कहाँ से करना है, NCERT की बुक से। कौन सी से? आप फर्स्ट से लेके अगर आप पेपर वन पढ़ रहे हो तो लोअर तक रख सकते हो, नहीं तो टेंथ तक आराम से आप पढ़ सकते हो, जितना कवर कर सकते हो। इसके अलावा प्लस NCERT के बुक्स के अलावा और प्लस सोर्सेज से भी आप लर्न कर सकते हो और बुक्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे आपके सामने ये मैंने रखा है। तो मैक्रो, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है, ये मैं स्ट्रेटजी बोल के बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है जब आपको नॉलेज नहीं है। ठीक, चलो यहाँ पर आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि ये यहाँ पर आपको कंटेंट की नॉलेज चाहिए, ये बात सॉल्व हो गई कि पोटेशियम यहाँ पर राइट आंसर है। वापस चलते हैं, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या वो सब्जेक्ट का है या फिर वो भी पैडागोजी का है। अब मैंने दो आपको एग्जाम्पल दे दी जो सब्जेक्ट के थे, पैडागोजी के थे। द मटीरियल विच डीग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड, हाँ ये थोड़ा थोड़ा सुना है भाई, नॉन बायो, नहीं बायोडिग्रेडेबल, ये वाला राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर इसने हिंट दे दिया, यहाँ पर अगर नॉलेज नहीं थी तो आपने डीग्रेडेड शब्द को ले लेना है, ये स्ट्रेटजी साथ साथ में बताऊंगा। तो नेचुरल को हमने बायो ले लिया, इतना हमें पता है, बायो और डीग्रेड को इकट्ठा कर दिया तो शब्द मेरे पास आ गया बायो डीग्रेडेबल। ये तब की बात है जब हमने स्टडी नहीं किया, फिर ऐसे जो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको नॉलेज है सीधा बायो डीग्रेडेबल पता है तो टिक ये लगा दिया, सर्कल करा दिया, बी इज राइट आंसर। अब ये दो तरह की आपके साइंस के जो क्वेश्चन हैं, एक पैडागोजी के और एक कंटेंट के, ये बात मैं बताना चाहता था। ये साथ में ये क्यों शुरू कर दिया मैंने, ये समझो कि आपकी तैयारी करनी शुरू हो गई है, क्वेश्चन को कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये साथ साथ में बताता चला जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपने मैथ से देखना है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें थोड़े से, फिर मैं फंडामेंटल्स बताता हूं। फंडामेंटल बता दूं पहले, चलो यहां पर जाते हैं। ओके, ये हैं स्ट्रीम्स का कंटेंट जो आपने तैयारी करनी है। अगर आप मैथ्स या साइंस स्ट्रीम से हो, नंबर एक, तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये आपको बात क्लियर है, ये हैं सब्जेक्ट्स। ओके, तो इनकी आपने तैयारी पीछे जो बता के आया हूँ, NCERT प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और काफ़ी सोर्सेज हैं, वो साथ साथ में बताता चला जाऊँगा। अगर आप सोशल साइंस के हो तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, इसमें से क्वेश्चन कंटेंट के हाफ क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज के हो तो लैंग्वेज का वैसे सिलेबस डिफरेंट से हम स्टडी करेंगे, ग्रामर उसका मेन पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा दो कम से कम आते ही हैं, लैंग्वेज वन में भी, लैंग्वेज टू में भी। अगर आप EVS पेपर वन को फिल कर रहे हो, EVS का पेपर देना है, तो उसके सब्जेक्ट कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पोल्यूशन कंट्रोल, एथिक्स, पॉलिसी,
पॉलिटिक्स, ये सारे पार्ट हैं। इट मीन्स इनकी जो ये कंटेंट नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये आप खुद भी तैयारी कर सकते हो और ये पोर्शन आपका रिच होना चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक आपने इसको स्टडी किया हुआ है। तो फंडामेंटल क्या बताना चाहता हूँ, वो ये है यहाँ पर ऐसे कि आपका जो पेडागोजी है, पेडागोजी है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि बेस्ट टीचिंग हो, बेटर टीचिंग हो। टीचिंग बेटर कौन सी है, ये कैसे पता चले? अगर बच्चे को लर्न अच्छा सा हो गया, उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास, इफेक्टिव लर्निंग, इंजॉयबल लर्निंग एंड पॉजिटिव लर्निंग। अच्छा, लर्निंग भी दो तरह की हो सकती है, नंबर एक नेगेटिव, नंबर दो पॉजिटिव। नेगेटिव लर्निंग जो है इमोरल है, इमोरल, ठीक है, अनसोशल है, जो है ना, इव टीजिंग भी सीखी जाती है, चोरी भी सीखी जाती है, बहुत सी ऐसी एग्जांपल है, पॉजिटिव लर्निंग है। तो हमने एजुकेशन किस पर फोकस करेगी, यहां पर हम एजुकेशन के अंडर है ना, डिसिप्लिन के। तो ये देखिए कि पेडागोजी है, टीचिंग है, लर्निंग है, लर्निंग कौन सी करवानी है, दो ऑप्शन है, नेगेटिव करानी है या पॉजिटिव वाली करानी है, डिजायरेबल करवानी है, ये डिजायरेबल होगी, ये नॉट डिजायरेबल होगी। तो डिजायरेबल लर्निंग करवाने के लिए एजुकेशन सिस्टम है। किसी भी स्कूल में चोरी करना सिखाना, ये कहीं लेबल नहीं लगा होता है, ये प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखा होता कि यहाँ चोरी करना सिखाया जाता है। तो ये अब कैसे पता चले कि ये इफेक्टिव टीचिंग है, ये कैसे पता चले कि ये इफेक्टिव लर्निंग है? इसके लिए जो सीडीपी का पेपर है, उसमें फंडामेंटल थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को भी टीच नहीं करूंगा, उसका एक सेंट्रल आइडिया सिर्फ आपको दूंगा, जो टोटल सेंट्रल होगा वो क्या है। आगे चले, वो नहीं, यहां लिख लेते हैं, ये पेन को बदल लेते हैं, वो क्या है कि एक हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है, ट्रेडिशनल, ओके, एक हमारी है एडवांस मॉडर्न या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें मेन जो वर्ड है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, दिस इज सेंट्रल आइडिया। आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ लो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 पढ़ लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लो, आप सारे इसके एमसीक्यू के टीचिंग, ये जो क्वेश्चन है पेडागोजी के, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें राइट आंसर, बेस्ट आंसर वो होता है जो कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार है। अब ये मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा कि आपको वो ऑनलाइन क्लासेस में होगा कि आप चूज कर सको कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें से कौन सा बेटर है। जो भी कोई एग्जामिनर बनाता है एमसीक्यू, वो एक क्वेश्चन लिखता है, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया, और उसकी ये जो हो गई ऑप्शन वन, नीले वाली, वन टू थ्री फोर, जनरली उसमें से मान लीजिए राइट आंसर ये है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म का ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो ये होगा ये ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल जहाँ ट्रेडिशनल नहीं नेगेटिव होगा, जहाँ वो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं, किसी जो जिस स्कूल को डिस्करेज करना चाहते हैं हम, जैसे मेमोराइजेशन को हम डिस्करेज करना चाहते हैं, क्रैमिंग को, पनिशमेंट को, बच्चे को डीमोटिवेट करना है ना, उस टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम करना चाहते हैं, जो ये ट्रेडिशनल टीचिंग में आता है। ट्रेडिशनल टीचिंग हमारी टीचर सेंटर्ड रही है, करिकुलम सेंटर्ड रही है, सिलेबस या सब्जेक्ट सेंटर्ड रही है, ये वाले ऑप्शन गलत होते हैं लगभग हमेशा, लगभग है ना।
तो नई सिचुएशन डाली जा सकती है, लेकिन जब एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर का करते हैं ये चीजें देखेंगे, तो आप देखोगे ये एक्सरसाइज जब हम करवाएंगे आप इजीली रिलेटिवली इजीली ढूंढ लेंगे कि ये दो तो आ गए नहीं, इन दोनों में से एक आना है, मतलब दो इजीली डिलीट हो जाएंगे, दो जब आप पर पहुंच जाते हो, कौन बनेगा करोड़पति में हो जाता है ना, दो डिलीट कर दो, दो छोड़ दो, तो ये आपके लिए 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बढ़ जाती है। तो वो कैसे करना है वो यहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म भी आगे, चलो इसकी क्लास ही बाद में लूंगा, पूरा के फंडामेंटल किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये सेंट्रल आइडिया हर टीचिंग को एप्टीट्यूड के और पेडागोजी या टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, आप न्यूजीलैंड में जाओ, कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, आप रशिया में जाओ, कहीं भी जाओ, अप्लाई वही होगा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंस्ट्रक्टिविज्म यही होगा। तो इसको समझाना, जो 90 क्वेश्चन हमारे बच रहे थे ना, 90 क्वेश्चन, वो बेशक किसके थे, बेशक वो मैथ्स के थे, साइंस के थे, लैंग्वेज के थे, ईवीएस के थे या एसएसटी के थे, इन सभी में से 50% जो हैं हमारे पेडागोजी के हैं। पेडागोजी पर क्या अप्लाई होना है, ये अप्लाई होना है, तो इसकी क्लासेस लगेंगे। आपका क्वेश्चन क्या था, कहां से चले थे हम, तो क्लासेस किसकी लगेंगे, हमने टीचिंग, हमने ये आगे चलता हूँ, ये रहे टीचर साहबान, ठीक, और ये रहे लर्नर साहबान, और ये देना चाहते हैं इनको के मीन नॉलेज, और ये देनी है नॉलेज, ये रही प्रोसेस। अब ये नॉलेज देनी कैसे है, ये प्रोसेस को ही कहते हैं पेडागोजी। ये प्रोसेस नेगेटिव भी हो सकती है, यहां पर रेड लेना चाहिए था, नेगेटिव भी हो सकती है, एवरेज लो भी हो सकती है, है पॉजिटिव लेकिन लो है पॉजिटिव लेकिन लो से एवरेज है, ओके, है पॉजिटिव लेकिन बेस्ट है, तो बेस्ट कौन होगा, वो आएगा फिर प्रोग्रेसिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म। वो क्या है, उसके जो फंडामेंटल्स वो करवाऊंगा। तो हमारी दो क्लासेस लगेंगी, एक तो इस प्रोसेस को टीचिंग, इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, टीएलपी या पेडागोजी ये कहेंगे, और दूसरी कंटेंट की होंगी, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा ऑनलाइन टीचिंग का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्वेश्चन का होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये भी दिखा दूं कि दूसरे क्वेश्चन ये देखिए कि मैथ्स पेडागोजी के हैं, अगर आपने देखने तो मैथ्स में आप देखिए एप्रोप्रिएट मेथड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मूले इन मैथमेटिक्स क्या है। यहाँ पर मैं वही बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप अगर मैथ्स यहां से उड़ा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा, फॉर्मूले आपने कराने हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये एक दो तीन चार जो दिया अभी को समझा के आया हूं कि ये जो तीन चार दिए गए हैं इसमें जा तो नेगेटिव है रिस्पांस एक दो, जा लो वाले हैं, एक कंस्ट्रक्टिविज्म वाला होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म वाला होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म या प्रोग्रेसिविज्म वाला, ठीक है, वो वाला होगा। वो रिस्पांस क्या है उसका, कंसारा कंस्ट्रक्टिविज्म इंडक्शन पर जोर देता है। कैसे, सिंपल, मैंने बिना क्या ध्यान लगाए इतनी जल्दी ढूंढ लिया। कारण क्या है कि मुझको प्रोग्रेसिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फंडामेंटल्स पता है, तो मैंने दूसरे किसी को ऑप्शन को, मतलब आप हैरान हो गए कि चुटकी में कई ऑप्शन ऐसे होते हैं, आप, मैं ये अतकथनी नहीं है, ये क्या कह रहा हूँ कि अच्छे एमसीक्यू बनाने में दिक्कत दिखाई दे रही है। हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम एनालाइज करेंगे ना, मेन 80% जो तैयारी है लोग उन्हीं से करते हैं, तो वो क्वेश्चन ही इतने वीक बने हुए हैं कि आप इजीली ये पढ़े बिना, स्टेम आप नहीं पढ़ रहे, ये आप मुझको दे दो, मैं ये बता दूंगा कि राइट आंसर ये है, भाई राइट आंसर ये है। हाँ, अगर स्टेम नेगेटिव है तो फिर उसके उल्ट होगा, वो ट्रेडिशनल वाला, लो वाला, ये वाला आंसर होगा, है ना। नेगेटिव मीन अगर यहां पर नॉट लिखा है,
विच इज नॉट बेस्ट मेथड ऑफ, है ना, यहाँ एप्रोप्रिएट मेथड पूछा गया है। तो जैसे इंडक्शन समझा दी, अब मैंने वहां क्या समझाया था आपको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या किया कि सबसे पहले मैंने लर्नर को एक्सपीरियंस दिया। मान लीजिए मैंने वो ड्राइविंग का दे दिया, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कर लिया। किसने किया, टीचर ने किया या लर्नर ने किया, यहाँ पर लर्नर कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने रिफ्लेक्ट किया, यार मैंने ड्राइविंग की तो मैंने यहाँ ब्रेक लगा दी, यहाँ पर जो स्टेयरिंग था गलत मैंने जो उसको कट लगाया, और यहाँ पर मैंने जो था गियर शिफ्ट करना था वो सेकंड करना था लेकिन मैंने फोर्थ कर दिया। जो गलतियाँ लिख रहे हो आप, रिफ्लेक्शन हो गई, वो रिफ्लेक्शन के बाद आप कंक्लूजन निकालते हो कि ये बातें मेरे लिए ड्राइविंग में बेस्ट हैं, है ना। कंक्लूजन निकालने के बाद नेक्स्ट टाइम ड्राइविंग करते हो, उनको अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई किया आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई। तो ये भी इंडक्टिव ही है, इंडक्टिव बाद में अच्छे तरह से समझाऊंगा। मतलब चलो अगले भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये रहा सी सी ई इन मैथ्स हेल्प इन एलिमिनेटिंग। अगर मैथ्स यहाँ ना भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। कारण क्या है कि अच्छा वो एग्जाम्पल बड़ी अच्छी बाई चांस आई है, मैंने चुनी नहीं थी। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, एलिमिनेटिव, हम वो किस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। तो आप इसको हटा के ये बता दो कि यार नेगेटिव क्वेश्चन है, मैं यहाँ से ये बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा चीज़ नेगेटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक, कंस्ट्रक्टिविज्म। आप मानोगे मैंने इस वीडियो में सारे ही सेंट्रल आइडिया, उसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट में होंगी, उनके काफ़ी जो हमारी क्लासेस लगेंगी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म फिर क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये कि मेमोराइजिंग को ख़त्म कर दो, ठीक। हाँ, सेल्फ स्टडी को, रेगुलर स्टडी को, नन ऑफ देम, अगर ये हैं, ये तो हमने करने हैं, ये तो हमें सब मेमोराइजेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो सबसे ज़्यादा मेमोराइज कर लेता है वो मार्क्स अच्छे ले लेता है, जब प्रैक्टिकल वही लाइफ में जाता है तो लाइफ में वो फेल हो जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, लाइफ से स्टार्ट करो भैया। हमारा क्या मेमोराइजेशन क्या कहती है, बुक से स्टार्ट करो भैया। इट मींस बुकिश, सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है हमारे ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाएगी। वीडियो लंबा बन रहा है, वेरी सॉरी। मैथ्स का सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज। ये आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको चाहिए आपके कंटेंट की, मैथ्स की नॉलेज चाहिए, अगर है तो वो आप सॉल्व कर पाओगे। ये कंटेंट का की एग्जांपल है ना, राइट आंसर में ये है, ये आपको एक्सप्लेन कौन करेगा, जिसको पास मैथमेटिकल नॉलेज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये सोशल साइंस से, आप ये मत कहना कि इस वीडियो में किसी स्ट्रीम की एग्जाम्पल नहीं दी गई, सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। सोशल साइंस में से है, देखना अब आप देखो कि ये पैडागोजी का है या सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये तो साफ क्लियर है कि ये पैडागोजी का, ऊपर भी लिखा हुआ है ना, वैसे वहाँ से नहीं, ये देखिए ड्राई एंड एब्स्ट्रैक्ट। मैं जब पेपर दे रहा हूँ तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन सिविक्स टेक्स्ट बुक कैन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मैथ्स लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख दो साइंस कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, ड्राई एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, है ना। कंटेंट क्या कि ड्राई एंड एब्स्ट्रैक्ट, ड्राई मीन बोरिंग, एक बोरिंग लेसन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसमें आइडियाज हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ऑब्जेक्ट्स, है ना। मैथ्स हमेशा ही आइडियाज या एब्स्ट्रैक्ट, सबसे एब्स्ट्रैक्ट अगर देखना हो तो मैथ्स है ज्यादा पर। तो यहाँ पर कोई भी आप है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेमोक्रेसी पढ़ाना है, डेमोक्रेसी देखी है कहाँ, टच किया है कभी डेमोक्रेसी को, कभी भी टच किया है। डेमोक्रेसी इज एन आइडिया, आपने फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपने किसी फॉर्म को टच किया है, नहीं टच किया, तो वो आइडिया पढ़ाना है, वो एब्स्ट्रैक्ट भी है और बोरिंग भी है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं है इन टेक्स्ट बुक में है। बॉट टू अलाइव, उसको अलाइव करना है, कैसे जीवित करना है, अच्छे से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाओगे। अब देखना है
ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो इनका बेस्ट जो सेंट्रल आइडिया होगा, फिर उस पर सोचेंगे. थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एपिसोड फॉलोड बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस, इफ एब्स्ट्रैक्ट आस्पेक्ट्स आर क्विकली क्विकली वाला कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है क्विकली. देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, सिर्फ ये कर लेना सब कुछ हो जाएगा. ये ऐसा नहीं सब कुछ नहीं होगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, 80-90% हो जाएगा, ये पक्की बात है. हाँ वैसे 100% साबित कर सकता हूँ, लेकिन उतनी क्लासेस आप लगाओगे नहीं. आप चैलेंज करो कि ये ऑप्शन है तो इसमें से बेस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा. लेकिन आगे कंस्ट्रक्टिविज्म की टाइप्स हैं, कहाँ कौन सा रहता है. कई बार सिचुएशन में चेंज कर दूँ, वहाँ पर 10% 20% ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी, वहाँ बिहेवियरिज्म बेटर रहेगा. जहाँ वहाँ पर आपके जो मेथड इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कोई एक वो भी अच्छा रह सकता है, लेकिन पर्पज चेंज होने से उसको उसको ही समझना है. लेकिन आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो राइट आंसर यही होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ. अच्छा तीसरा आंसर है थ्रू वेरी क्लियर, ये पॉजिटिव है भाई, थॉरो एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्राई कंटेंट. ये एक्सप्लेनेशन कौन देगा, ये देंगे, ये दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं, ये वाला रंग बदल लेते हैं. मेरे ख्याल में यहां पर वो वाला आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, यहां पर है ये. क्या ये टीचर एक्सप्लेन कौन करेगा, इसको करेगा ना, ये करेंगे, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये क्या हुआ, टीचर सेंटर्ड हो गया फिर. ओके विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टेस्ट टू रीइनफोर्स द डिफिकल्ट कंसेप्ट. रीइनफोर्समेंट है कि आपने बल प्रदान कर रहे हो किसी चीज को, ना, जब शाबाश देते हो, जब आप मोटिवेट करते हो, वो वाली थोड़ी सी चीज आ जाती है इसमें, है ना. तो आप सीधे टेस्ट ले रहे हो, आपने ड्राई एंड एब्स्ट्रैक्ट को प्रेजेंट करना था, आप सीधे टेस्ट ले रहे हो, ये बाद की बात है, सबसे पहले वाली बात नहीं है, है ना, इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में है. तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट जो है इसको कहाँ लेके जाओ, आप कहते इधर इधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर, कहाँ पर, रियल लाइफ सिचुएशन, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट में लेके जाओ, कॉन्टेक्स्ट में. ये वर्ड मैं कम से कम मैंने 150 के करीब ऐसे आइडेंटिफाई किए हुए हैं वर्ड जिनकी एक्सरसाइज आपको करवानी है, और बाद में लॉजिक भी दूंगा, उसको प्रूव भी करूंगा, थ्योरी के साथ डिफेंड करूंगा. तो रियल लाइफ में लेके जाओ एक बच्चे को और दूसरे को टेस्ट लेते रहो, कौन ज्यादा सीखेगा, इतनी है, आप खुद समझ गए कि कौन ज्यादा सीखेगा. अच्छा रियल लाइफ में ले जाने के बाद उनको कहो कि यार इस पर विचार करो, जो आप रियल लाइफ में जाके आए हो, जहां रियल लाइफ की एग्जाम्पल दी गई है. रियल लाइफ एग्जाम्पल कौन सी है, जो लर्नर ने एक्सपीरियंस किया है. फॉर एग्जाम्पल लर्नर देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है कि ऐसे किसी के साथ इनजस्टिस हुआ, वो कोर्ट के पास गया, ऐसे इनजस्टिस हुआ तो वो पुलिस के पास गया, तो क्या ये डेमोक्रेटिक फीचर है, इस पर बात होगी. यार वो जो उनको इस जात का या इस धर्म का बोला जाता है, वहाँ पर वायलेंस होती है, तो वे ऐसे फिर डिबेट होती है, एक व्यू दूसरा व्यू विरोधी व्यू, कहाँ से डिबेट होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, रोज़ आप खबरें सुनते हो, वो रियल एग्जाम्पल उनके लिए होगी, वो फॉलोड बाय. यहाँ क्या था मॉडल हमने पढ़ा, एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन, और उसके बाद आ गया जनरलाइजेशन या कंक्लूजन, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या एप्लीकेशन, नेक्स्ट एक्सपीरियंस. यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है या देखी हुई है, ऑब्जर्व की हुई है, इतना फर्क पड़ा. मॉडल तो फिर वही अप्लाई हो गया ना, कि रियल लाइफ की एग्जाम्पल दोगे, फिर एपिसोड फॉलो, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी. ये डिस्कशन या डिबेट क्या है, ये है ग्रुप रिफ्लेक्शन, ग्रुप रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप भी कर सकता है. तो राइट आंसर आपको मिल जाना चाहिए, अभी तक तो मेरे ख्याल में मिल जाना चाहिए. राइट आंसर इज वेरी 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 क्लियर के जो इस मॉडल को फॉलो कर रही है, मॉडल फॉलो को कह रहे हैं सिर्फ ये वाली, फर्स्ट वाला. ओके नेक्स्ट है
हमारे पास ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड इन इंडिया टेम्पल्स वर रिगार्डेड एज हब ऑफ। अब यहाँ पर क्या है कि सीधी आपको हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए, तो हिस्ट्री की नॉलेज वो क्या है, इसमें से वो कंटेंट में से आपने एनसीईआरटी की बुक में से जो पढ़ा है कि ये सूफी मूवमेंट्स, यहाँ पर कुछ भी पैडागोजी का अप्लाई नहीं नहीं हुआ, पैडागोजी का यहाँ प्योर कंटेंट नॉलेज है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, तो हमारे दो पीरियड होंगे, उनकी जो ब्रॉड टू कैटेगरीज होगी, एक पैडागोजी वाले जिसको CDP भी बोल सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पैडागोजी करनी है ना अल्टीमेट, तो वो इंटेग्रेट एक कर दी और उसको अप्लाई करना है किसी भी स्ट्रीम में, है ना, ये एक हो गया। और दूसरा हो गया हमारे पास कंटेंट की नॉलेज, दो तरह के ही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि आपने शुरू से सभी क्लासेस में आपका कंटेंट ही पढ़ा हुआ है अभी तक, पैडागोजी BEd DLed में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। अब राइट आंसर, ये इकोनॉमिक्स वाले हैं, ये क्यों एग्जांपल दी है, एक हिस्ट्री से ली है, एक सिविक्स से ली है, ऐसे आपको पेपर आना है, ये बता रहा हूँ सिर्फ मैं। अच्छा, ये है इसका ट्रेडिंग, आप खुद सोचिए, अभी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, वीडियो लंबा हो गया है, जब ये एक्सरसाइज कराएंगे। अच्छा, सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस इन विच मैन डोमिनेट ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉयट वुमेन इज कॉल्ड, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, बीएड में भी आप पढ़ोगे, फोर्थ सेम में होता है। देखा, अगर आपने बीएड में पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि पेट्रार्की का एक पूरा टॉपिक है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में तो पक्का है, बाकी में पता नहीं, पेट्रार्की का है तो उसमें सारा पेपर ही इस पर है कि मैन डोमिनेट ही करी जा रहा है, भाई मैन जस्टिस नहीं दे रहा, फीमेल को नहीं दे रहा, इनजस्टिस हो रहा है, एक्सप्लॉयट कर रहा है, उसके जो है वो बेशक एकेडमिक पढ़ना हो टीचिंग में हो, उस वहाँ पर उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हर हालत में उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है और एक्स्ट्रा सपोर्ट दे के, जिसको इक्विटी बोलते हैं, उसको ला के दोनों को इक्वल कर देना है, जिसको बाद में इक्वलाइजेशन बोल देते हैं। ओके, तो मैन वुमेन, ये पेट्रार्की के इसका राइट आंसर है, यहाँ पर और डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। लैंग्वेज पैडागोजी के क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न ए लैंग्वेज व्हेन दे आर हैविंग, अब यहाँ से अगर आप लोग उसको हिला दो कि लैंग्वेज नहीं लिखना तो क्या क्या होगा, ये लैंग्वेज हिला दी, यहाँ पर अगर मैथ्स लिख दिया तो फर्क पड़ सकता है, कई क्वेश्चन में पड़ेगा भी, यहाँ देखे पड़ता है, मैंने यहाँ पर कहा कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, मैंने मुझको स्टेम जो है पॉजिटिव, क्या इस चार में से पॉजिटिव चीज, सबसे पॉजिटिव चीज ढूंढनी है, ये एक्सरसाइज हमने करनी है, तो वो क्या है, एक गुड टेक्स्ट बुक, नंबर एक प्रोफिशिएंट टीचर, ओके इनहिबिशन तो रुकावट है, ये वैसे ही नेगेटिव है, ओके मोटिवेशन, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो टेक्स्ट बुक पर डायरेक्ट जोर नहीं देता, वो जोर किस पर देता है, एक्सपीरियंस पर, रिफ्लेक्शन पर। देखिए, अगर आपने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, यहां एक्सपीरियंस पर टेक्स्ट बुक लिख दीजिए, ये मैंने टीबी लिख दिया, दिखाई दे रहा है, व्हाइट कर दूं, नहीं तो ये व्हाइट कर देता हूं, ये रहा आपका व्हाइट, यहां एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये बात बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन, टेक्स्ट बुक रख दिया, उसके बाद टेक्स्ट बुक जो रीड किया उस पर रिफ्लेक्ट किया आपने, है ना, तो रिफ्लेक्ट ये करने की बात कोई है ही नहीं, ये साइकिल फिर घूम गया, एक ही मॉडल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म इसको प्रेफर नहीं करता, गुड टेक्स्ट बुक को, गुड टेक्स्ट बुक पर रिफ्लेक्ट करने को कह रहा है, मेटाकोग्निटिव थिंकिंग डेवलप करने को कह रहा है, है ना, तो वो बात यहाँ पर नहीं है, ये भी पीछे रह गया, ये आंसर जो है पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि गुड है ना टेक्स्ट बुक, बैड भी नहीं चाहिए, लेकिन लो वाला है, लो वाला है। प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, हाँ जी हमें चाहिए, लेकिन लैंग्वेज टीचर प्रोफिशिएंट है लेकिन बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो ये भी लो वाला है। मोटिवेशन, यहाँ मोटिवेशन है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म दो तरह की मोटिवेशन है, एक एक्सट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक।
अब कंस्ट्रक्टिविज्म किसको फॉलो, सारी वो मोटिवेशन इंट्रेंसिक मोटिवेशन को फॉलो करेगा। इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होती है ये साथ साथ में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन आते हैं पक्का। एक्सट्रेंसिक देखिए मोटिवेशन ही है, वो बिहेवियरिज्म कहेगा। दैट इज वाई बिहेवियरिज्म थोड़ा पीछे रह जाता है आज एडवांस्ड प्रोग्रेसिव वो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म आगे बढ़ जाता है। इनहिबिशन तो वैसे ही निकाल दिया, तो राइट आंसर हमारा मोटिवेशन आ गया। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज का क्वेश्चन है जी, नहीं ये भी आया सी डी पी से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे ये, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। अब इसमें कोई पैडागोजी की नॉलेज नहीं है, ये मैं उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ भाई जो आप पूछ रहे थे कि यार पीरियड कैसे कंफ्यूज होने हैं। तो सिमेंटिक्स इज द राइट आंसर, वो वर्ड्स और मीनिंग उसकी। ये आप जब ग्रेजुएशन पढ़ते हो, टेंथ पढ़ते हो, ये तभी हजार बार पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ फिर उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, आउट ऑफ दीज हाउ मैनी साउंड्स आर वॉवल्स एंड हाउ मैनी आर कॉन्सोनेंट रिस्पेक्टिवली। एक बात ध्यान रखनी है कि ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब कई क्वेश्चन इतने वीक होंगे कि आपको थोड़ी सी रीजनिंग चाहिए, थोड़ी सी रीजनिंग, ठीक करना आप नहीं है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ, सब कुछ मैं टीच कर दूंगा, आपको एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, इट मीन्स मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म को अप्लाई नहीं किया, मैं ट्रांसमिशन करा रहा हूँ, तो ट्रांसमिशन को ही तो रिजेक्ट कर रहा है अच्छा क्वेश्चन, अच्छा एजुकेशन सिस्टम। आप कहीं भी चले जाओ, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी जापान में चले जाओ, कंस्ट्रक्टिविज्म ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर अंडरलाइन करना है, यार इन्हें साउंड पूछा है, वॉवल्स नहीं पूछे, साउंड्स पूछी हैं, दैट इज वाई आंसर बदल जाता है, 20 और 24 हैं। अगर वॉवल्स होते तो बात अलग थी, ठीक। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मेरे ख्याल में आंसर मिल गया है, चाइल्ड पैडागोजी क्वेश्चन आ गया, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। अच्छा अब अगर ग्रामर ना भी लिखे तो भी मुझे क्या है, मैंने क्या आपको एक्सरसाइज करानी है, मैंने सिर्फ ये करवानी है कि इसमें से आपने पॉजिटिव बेस्ट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, मैंने जो आपको एक्सरसाइज करानी है ये स्टेम दिए बिना करवाऊंगा, जब आपके पास स्टेम आ जाएगी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अच्छा यहाँ पर आ गया आपका ये वाला पोर्शन, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, कौन दे रहा है एक्सप्लेनेशन, टीचर। ओके, एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, मुझे सबसे अच्छा वर्ड मिल गया भाई, मुझे मिल गया, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है उसका है एक थ्योरी है, वो आपके कहीं भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं गई, पंजाबी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बीएड में लगी थी, उस पर मैंने जब बुक लिख रहा था तो उस पर एक चैप्टर लिखा था, तब मैंने लर्न किया था, डेवलपमेंटल डिसिप्लिन, डेवलपमेंटल डिसिप्लिन। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंटल डिसिप्लिन प्योरली सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की एप्लीकेशन है, इसमें कोहलबर्ग को भी, प्याजे को भी, वाइगोस्ट की, सभी को अप्लाई कर दिया गया है। अच्छा ये जो नाम मैंने लिए गए कि कोहलबर्ग, वाइगोस्ट की, प्याजे, ये किस पेपर में है, सीडीपी में। ओके अच्छा तो वो कहता है ये डेवलपमेंटल डिसिप्लिन में क्या होता है कि रूल नॉट बाय टीचर्स, रूल कौन बनाएगा, लर्नर बनाएगा। ये लहा यहां पर लर्नर छोटा सा लिख देते हैं, रूल कौन बनाएगा, ये बनाएगा टीचर या ये बनाएंगे, इस पर ही फोकस रहना है, इसे काम करना है, इसे सोचना है, सेंट्रल आइडिया दे दिया आपको, इसे काम करना है, इसने सोचना है, रूल किसने बनाने हैं, इसने बनाने भाई, बेटर डिसिप्लिन। अभी तक हम वहां इंडिया तो पता नहीं कब। ओके तो ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि आस्किंग क्वेश्चन टू लर्न रूल, रूल किसने फिर बनाए हैं, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर ने, प्रिंसिपल ने बनाया, उनको कहा कि फॉलो करो आप, यहाँ एक्सप्लेनेशन कौन रहा है, टीचर कर रहा है। एनेबलिंग प्रैक्टिस इन, प्रैक्टिस किसने करनी है, कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन। ओके ये मेरे ख्याल में दिखाई नहीं देता होगा, ब्लैक वाला ले ले यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन। ओके तो पहली ऑप्शन भी टीचर सेंटर्ड बन रही है,
तीसरी भी टीचर सेंटर्ड बन रही है और चौथी मेकिंग लर्नर डू रिटन असाइनमेंट। यहां पर लर्नर बेशक है, ठीक है, असाइनमेंट दी गई है, ये बेटर है। अगर एक तो है कि आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर, आप किसी बच्चे को, ये लैंग्वेज पर है कोई बात नहीं, तो ये आप किसी प्लेस पर ले गए, वहाँ देखा उन्होंने, है ना, वहाँ बातचीत की, ग्रुप से बातचीत की, बातचीत की लैंग्वेज डेवलप होगी ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ले गए, यहाँ इंग्लिश पीपल आए हुए थे, बच्चों को उस सिचुएशन में ले गए। दूसरा है कि इंग्लिश वो उस पर असाइनमेंट लिखने को कह रहे हो। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर असाइनमेंट अच्छी बात है, अगर असाइनमेंट फिर वही बात एक्सपीरियंस, है ना, यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन अगर असाइनमेंट है तो अच्छी बात, लेकिन यहाँ तो उसको कॉन्टेक्स्ट में भेजा ही जा रहा है, सिचुएशन में भैया जाके देख के आओ, वहाँ पर बात करके आओ, इंटरेक्ट करके आओ, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वर्ड सिर्फ एक ऐसा है जो यहाँ इसमें से बेस्ट। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रल वर्ड निकालता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ और बेस्ट, सेकेंड बेस्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों रैंक बता रहा हूँ। ऐसे हम लर्न करेंगे। अगर आप ऐसे लर्न करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी की तरह गाइडेंस आपको चाहिए, आपके क्वेश्चन मेरे तक पहुँचने चाहिए। ये लड़की का वेरी थैंक्स, इन्होंने यूट्यूब लर्न टू एक्चुअलाइज पर इन्होंने कमेंट किया था, एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैंने उसका पहला पार्ट उठाया है, आप हैरान होगे, उसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यह सारा कुछ किया है। तो मेरे ख्याल में इससे आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने लर्न करना है, कैसे टीईटी क्लियर कर सकते हैं और इजीली कर, सचमुच कर सकते हैं। पर मैंने नहीं करना, मैंने करवाना है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाई करना है, एक्सरसाइज आपने करनी। मैंने क्या करना है, मैंने ये रिफ्लेक्शन करवानी है। परमात्मा का इतना ज्यादा शुक्र है कि सारे ही क्वेश्चन बाय चांस मेरे पास सी टेट के जो आए हैं, टी टेट के आए हैं, वो रिफ्लेक्शन वाले ही आए हैं, आएंगे भी, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं तो वो होगा ही होगा। तो अगर आप करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। कोशिश करूंगा कि एक सीडीपी की क्लास लगे और दूसरी आपकी पैडागोजी की क्लास लगे। उसके अलावा डाउट्स के लिए या एक्स्ट्रा जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसकी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आपके सुजेशन, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। दैट इज़ ऑल, मेरे ख्याल में आगे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक चलते हैं। हाँ एक और है, करना है तो डिस्कस कर लेते। ओए होए होए, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट मॉडल है, फेवरेट मॉडल में से एक है, एक मेरा फेवरेट नहीं है। देखो भी कितना क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडी रह गया था हमारा, एनवायरमेंटल स्टडी एंड पैडागोजी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट इट मीन्स नेगेटिव स्टेम में है, कॉम्पोनेंट ऑफ 5e, अबव 5e नहीं पता होगा। 5e एक टीचिंग मॉडल है जो किसके द्वारा दिया गया है, अब आपको पता है। 5E में 5 E's ही फॉलो की जाती है, फर्स्ट ई, सेकेंड ई, थर्ड ई, फोर्थ ई, फिफ्थ ई। एक मेरे को ना किसी ने लेक्चर देना था 5E पर, ये इसलिए 5E कहा जाता है, ये 5 स्टेप हैं, लास्ट में इवेल्युएशन होती है वैसे, तो ये वाले स्टेप बाद में आपको टीच करूंगा, ओके। तो मैंने, वो कहते हैं कि अगर तीरथ सर सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने लेक्चर दे दिया, सारी प्रेजेंटेशन दे दी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, उन्होंने 5E मॉडल पढ़ा दिया, एग्जाम्पल दे दी, बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर्स ने पूछ लिया, कहते तीरथ सर ने अगर सेटिस्फाई हो गए तो मैं, मतलब यू आर बेस्ट, आपने जो टीच किया। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो ई है, फर्स्ट ई है ना, इवेल्युएट तो लास्ट में आ जाती है, यहाँ पर एक्सप्लेन आ जाता है, यहाँ पर एक्सप्लोर आ जाता है, ओके, एक आध इधर उधर हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पर एंगेजमेंट आ जाता है, पहले एंगेज करते हैं। तो मैंने ये कहा कि यार एंगेजमेंट, एक्सप्लानेशन, इवेल्युएशन, ये सब करना किसने है, मुझे कृपया ये बता दे। मैंने एक ऐसे क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लानेशन किसने देनी है 5E में, तो उन्होंने बड़ी जल्दी जवाब दे दिया टीचर ने, आपको पता है,
मैंने वहाँ उनको थैंक यू बोल दिया और अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन आज बता रहा हूँ कि जब टीचर ने करना है ना एक्सप्लेनेशन, अगर टीचर करेगा तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म में मेजर पार्ट इसने भी करना है एक्सप्लेन, कभी कभी करेगा लेकिन करवाएगा एक्सप्लेन, वो हिंट देगा, वो इंडिकेट करेगा, वो कोई न्यूज़ एग्जाम्पल उस जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो दिखाऊंगा आपको कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा होता है, 5E कैसे पढ़ाया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारे मॉडल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल हैं। तो जब वो मतलब टीचर सेंटर उन्होंने कह दी, इतने से सारी अप्रोच चेंज हो गई कि ये सब कुछ 5E किसने करना है, टीचर ने। अगर टीचर ने करना है वो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसी को रिजेक्ट करना था। सब्जेक्ट सेंटर, टीचर सेंटर, करिकुलम सेंटर, नॉलेज सेंटर, ये 5-6 शब्द हैं, इनको सबसे पीछे रखना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है इसमें एस्टीमेट, हाँ ये वाला है, एस्टीमेट नहीं है, इसके स्टेप में नहीं है, कुछ एस्टीमेट नहीं करना है। तो ये तो नॉलेज बेस्ड है, वैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल अप्रोप्रिएट फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल पर्सनल क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन लर्निंग EVS थ्रू ग्रुप वर्क। अच्छा ध्यान से, वही रिएक्शन मेरा, अगर आप यहाँ से EVS उड़ा दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, EVS की जगह मैथ कर दो, क्यों साइंस कर दो, लैंग्वेज कर दो, यहाँ पर ग्रुप वर्क मेन है। ग्रुप वर्क किसने कहा था, हाँ हाँ वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की क्या था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, फिर वही आ गया यार, फिर वही आ गया। ओके, अब बच्चे हैं यहाँ पर ग्रुप वर्क कर रहे हैं, टाक कर रहे हैं एक दूसरे से, ओके ये बात कर रहे हैं, कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, है ना, कोई मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, असेसिंग सोशल एंड पर्सनल स्किल। सोशल पर्सनल स्किल क्या होती है यार, ये जब इससे बात करता है तो इसकी रिस्पेक्ट करता है यार, ये जब इससे बात करता है इसको अच्छी तरह लिसन करता है। ये मैंने क्या निकाला हूं, मैं सोशल पर्सनल परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज निकाल लिए मैंने, कि अच्छा बच्चा, अच्छे क्राइटेरियाज क्या हैं सोशल पर्सनल क्वालिटीज के, जो रिस्पेक्ट करता है, जो लिसन करता है, जो दूसरे को अपॉर्चुनिटी देता है, निकालिए ना ऐसे 8, 10, 15। तो मैं देखूंगा, अब देखो मैं इस पर कोई असाइनमेंट दूंगा, अब मैं इस पर कोई पेपर पेंसिल टेस्ट दूंगा कि इसको सॉल्व करो, कि मैं ऑरल क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा आपने रिस्पेक्ट की, बेटा आपने सुना ध्यान से, ये सारी बातें क्या हैं, ये ऑब्जर्व करने वाली है। ऑब्जर्व किसने करना है, यहां पर जब टीचर काम कर रहा है, टीचर का भी रोल है, कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का रोल है, लेकिन रोल चेंज हो गया है, उसने डोमिनेट नहीं करना, फैसिलिटेटर बनना है, ये वर्ड भी आ जाएगा फैसिलिटेटर। अच्छा ऑब्जर्व करना है, जब ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके देखेगा कि इस बच्चे ने रेटिंग स्केल क्या है, एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है कि बच्चा ए जो है वो रिस्पेक्ट कितनी दे रहा है, पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 रेटिंग पॉइंट है। जैसे आपको वो जब जूम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो आपको वो आ जाता है कि 5 स्टार में रेटिंग पूछते हैं वो, कि यार आप, आपकी वॉइस जो थी, कम्युनिकेशन था वो, आप अगर 5 में से 5 देते हो इट्स मीन बेस्ट कम्युनिकेशन था। ऐसे ही रिस्पेक्ट को अगर 5 पर आपने टिक कर दिया, इट मीन्स बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, जितनी आप डिजायरेबल सोचते थे। अगर बिल्कुल नहीं कर रहा था तो आप 1 पर टिक कर देते हो, 0 नहीं कभी भी होता रेटिंग में। अच्छा लिसनिंग कौन कितनी कर रहा था, ऐसे रेटिंग वो तो करेगा, टीचर करेगा ना, दूसरे करेंगे, अपना एक दूसरे बच्चे से करवा सकते हो, ये इनको रेटिंग करे, ये इनको रेटिंग करे, ये इनको रेटिंग करे, क्राइटेरिया टीचर ने दे दिए जहाँ डिसाइड किए गए। हाँ डेवलपमेंटल डिसिप्लिन में क्राइटेरियाज भी बच्चे ही डिसाइड करेंगे, वेरी हायर स्टेज है। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल इज द बेस्ट आंसर, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इज। अब ये क्वेश्चन किसका है, ये आ गया कंटेंट का, इसका राइट आंसर सीधा बता दूंगा, लंबा वीडियो हो गया है, कार्बन। नेक्स्ट है, खिजरी ट्रीज आर मेनली फाउंड इन,
अब ये देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि थिंकिंग की जरूरत नहीं है। राइट आंसर पहले से मैंने ढूंढे हैं। मैं मेरे मेरे पास नॉलेज नहीं थी कि मैंने स्टडी करके आया हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मतलब मैं जब बताऊंगा ना मैं क्या हूँ, तो आप मेरे से अच्छे ही साबित हो गए, सभी अच्छे साबित हो गए, ये पक्की बात है। तो राइट आंसर इज, यहाँ रुक गया, ये दोबारा से कर लेते हैं। ओ नो, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस इज राइट आंसर। तो ये आपकी एनकरेजमेंट के लिए था कि आप सभी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि 90 मार्क्स हैं सभी ले जाएंगे, 90 सॉरी परसेंटेज नहीं है, सॉरी गलत हो गया, ये 90 मार्क्स या 60% मार्क्स, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 40 ले जा सकने की खुद काबिलियत रखते हो, तो मेरी टीचिंग लर्निंग एक्सरसाइज से आप इससे बेटर हो सकते हो, ये यहाँ भी जा सकते हो, इससे आगे भी जा सकते हो। कम एक्सरसाइज करोगे 60 तक भी रह सकते हो, 70। ये आपकी एक्सरसाइज कितनी करते हो, सब कुछ आप पर है, फैसिलिटेट मैंने करना है बस। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये थे, इसके रिगार्डिंग कोई भी बात करनी हो, ये वीडियो लंबा हो गया, वेरी सॉरी। तो आप डाउट क्वेश्चन मेरे से शेयर करते रहिए। क्लासेस कब लगाना चाहते हो, रात 9 बजे एक ऑप्शन है, एक उससे पहले रख लेते हैं। कोशिश करूँगा 2 क्लासेस रोज़ लगाऊँ, जिस दिन क्लास नहीं मिस होती है तो उस दिन मैं जो आपका वीडियो कोई शेयर कर दूंगा। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको नेट पर बहुत ताद में मिल जाएंगे। मैंने वो क्वेश्चन को एज ए रॉ मटेरियल उठाना है, लेकिन आपसे थिंकिंग एक्सरसाइज करवानी है, जो इसमें मैंने सेंट्रल आइडिया बताए हैं। इसके अलावा न्यू क्वेश्चंस मेरी, मैं बड़े सालों से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब मेरी जब इस पर पूरी बुक लिखी हुई थी ना, तो मुझे डेवलप हो गई है हैबिट कि एमसीक्यू कैसे बनाने हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत लंबे लंबे अच्छे अच्छे बना के रखूँगा, वो आप उस पर कर सकते हो, जैसे आप कहोगे वैसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो हाँ, तैयारी के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, जैसे ये पीपीटी बनानी होती है, अगर ना हुआ तो ये बोर्ड तो है ही है ना, टीचर का एक हो। तो कोशिश करेंगे बेस्ट करने की, अगर आपका साथ मिला तो बेस्ट हो सकता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू, लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।